रोड मैप ये रहेगा कि आंदोलन कैसे आगे चलेगा, उस पर बातचीत होगी। कुछ हरियाणा में कल किसानों की बातचीत हुई थी, किसान संगठन की और मुख्यमंत्री से, मुकदमों पे सहमति बनी है वहां पे, लेकिन जो कंपनसेशन है उस पर सहमति नहीं बनी। तो कंपनसेशन का भी एक बड़ा मामला अटकेगा। एमएसपी भी भारत सरकार से है, तो ये लगता है कि बातचीत कुछ ना कुछ शुरू तो हुई है, अब देखते हैं क्या होता है। नहीं, आज जाएंगे तो उसमें बात होगी। वो कई जगह से बोला जा रहा है कि राज्य में जाके अब किसान आंदोलन स्टार्ट रहेंगे, क्योंकि ऐसा अभी अभी कुछ नहीं है। अभी भारत सरकार से जब तक बातचीत फाइनल नहीं होती, जो इशू है जब फाइनल हो जाएगी, समझौता हो जाएगा, तो उसी के आधार पर आगे की रणनीति बनेगी। आज नहीं बननी, आज तो आंदोलन आगे कैसे बढ़ना है और अगर सरकार बातचीत करेगी तो उसमें कैसे बातचीत करनी है। जैसे एक है कि हरियाणा में कल बात हुई है वहां के अधिकारी मुख्यमंत्री की और किसानों की, लेकिन उसमें बात नहीं बनी, उनकी सिर नहीं चढ़ी, तो वे वापसी आ गए हैं, फिर अपनी आन के भी बात बताएंगे। आज मुद्दे क्या रखे गए सर हरियाणा की में? एमएसपी तो केंद्र सरकार का है, हरियाणा में मुद्दे रहे हैं जो कंपनसेशन है और जो केसेस दर्ज है, पूरे पर्चे हैं, पर्चों पर उन्होंने बात कर ली कि हम वापसी ले लेंगे। लेकिन अभी जो कंपनसेशन है, जिन लोगों की डेथ वहां पर हुई, और ये हुआ कि स्टेट वाइज उनको कंपनसेशन, उनको नौकरियां दे, पंजाब में कर दिया उन्होंने, कंपनसेशन दे दिया और नौकरी देंगे, और ये स्टेट वाइज होगा, हरियाणा में होगा, उत्तर प्रदेश में है, उत्तराखंड में है, जहां जहां पे भी डेथ हुई है या मुकदमे दर्ज है, मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में है, तो उस पर बातचीत चलेगी। अब कई दिन में इसका सोल्यूशन निकलता है, क्या होता है। एमएसपी भारत सरकार से है, तो आगे का यही रहेगा कि अभी आंदोलन स्थिर रहेगा, अभी तो पूर्ण रूप रहेगा, अभी जब तक कोई समाधान नहीं होगा इसका और पूर्ण रूप से फाइनल वो नहीं होती, जब तक आंदोलन जारी रहेगा। अभी तो दिल्ली में ट्रैक्टर बंद है, दिल्ली के अंदर भी मुकदमे दर्ज हैं, तो इस पे भी अब बातचीत शुरू हुई है, तो आज देखते हैं कि कौन कौन सी कमेटी की बात अभी हुई, कौन लोग अभी संपर्क में आए, वे सारे लोग आएंगे, कमेटी के लोग आएंगे, अपनी बात बताएंगे।